अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप सबके साथ चीज़ी चिकन कटलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस ये बनता है दोस्तों। रमज़ान में ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए फिर फटाफट से देख लेते हैं इस चीज़ी चिकन कटलेट को कैसे बनाना है। तो रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बॉयल और श्रेड किया हुआ चिकन। इसको मैंने नमक और काली मिर्च के साथ बॉयल कर लिया था, जब ठंडा करके मैं इसे श्रेड कर लिया है। साथ ही हम 2 बड़े साइज़ का आलू लेंगे, उसको बॉयल करके मैश कर लिया है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे जिसमें लेंगे गाजर, प्याज और शिमला मिर्च। सब्ज़ियाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सभी को मैंने ग्रेट करके लिया है और अब लेंगे हम ब्रेड के स्लाइसेस, जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था। यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस को हम यूज़ करेंगे। भिगो के डालने से ये बहुत ही मॉइस्ट बनता है और अगर हम सूखा ब्रेड क्रम डालेंगे तो थोड़ा सूखा सूखा कटलेट बनेगा। साथ ही डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। इसमें सबसे पहले डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और डाल देते हैं हम 2 टेबल स्पून टमाटो केचप और साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून सेजवान सॉस, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब डाल देते हैं हम 2 टेबल स्पून मेयोनीज। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आप कटलेट बनाएंगे फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिला लीजिए। तो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है और हमारा बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त मिक्सर बनके तैयार है। तो इसे रखते हैं साइड पर और अब हम लेते हैं एक दूसरा बाउल, इसमें डाल देते हैं 1/4 कप मैदा, साथ ही डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक और साथ ही डाल देते हैं 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका स्मूथ बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम पानी डालकर इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। आपको दिखाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो चलिए अब हम कटलेट बनाने शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, हाथों में अच्छे से फैला लेंगे और इसके बीच में हम डालेंगे चीज़, इससे ये अंदर से बहुत ही चीज़ी बनेगा। और इसे अच्छे से रोल कर देंगे और कटलेट का शेप दे देंगे। ये देखिए, हमने प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो अंदर में आप मोज़रेला चीज़ी भर सकती हैं। इसी तरह से हम दूसरा ही बना लेते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक एक करके हम सारे कटलेट को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सारे कटलेट को बना लिया है। तो हमने मीडियम साइज़ का बनाया है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो चलिए अब हम इसे कोट कर लेते हैं मैदे की सैलरी में, उसके बाद हम ब्रेड क्रम से इसे कोट कर लेंगे। तो जिस हाथ से आप डिप कर रही है मैदे में, उस हाथ से आप मत कोट कीजिएगा ब्रेड क्रम से, नहीं तो पूरा हाथ में चिपक जाएगा। तो दूसरे हाथ से हम कोट करेंगे। बहुत अच्छे से इसे कोट करना है, जितना अच्छे से ये कोट होगा उतना ही एक क्रिस्पी बनेगा। तो एक एक करके हम मैदे में डिप करते जाएंगे और इसे ब्रेड क्रम से कोट करते जाएंगे। तो जब सारी चीज़ कोट कर लेंगे तो कुछ देर आप फ्रीज में रख दीजिए, उसके बाद आप इसे ज़िपलॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख कर 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, एक एक करके हम कटलेट को इसमें डाल देंगे। एक बार में जितना आता है हम डाल देंगे, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। तो एक तरफ से अच्छे से सेट हो जाएगा, इसके बाद हम पलट देंगे। देखिए बबल कम हो गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी लग रही है देखने में। तो बस इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर। बहुत ही आसान है इसे बनाना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स, सारे को मैंने प्लेट पर निकाल लिया है। अब आपको तोड़ के दिखाते हैं ये अंदर से कितना चीज़ी लग रहा है। बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही चीज़ी। एक बार इस रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के नई और आसान सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।